पिते वसु नवे। बोलिए ओम सनह पिते वसु नवे अग्ने सुपायनो भव अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये सचस्वानः स्वस्तये सचस्वानः स्वस्तये ॐ सनः पिते वसु नवे। बोलिए ॐ सनः पिते वसु नवे अग्ने सुपायनो भव अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये सचस्वानः स्वस्तये सचस्वानः स्वस्तये सचस्वानः स्वस्तये सचस्वानः स्वस्तये ॐ। यह ऋग्वेद का एक एक नौवां मंत्र है और स्वस्ति वाचन का यह दूसरा मंत्र है। इसके पहले ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र था अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। ये सबसे पहला मंत्र है। ईश्वर की सर्वप्रथम वाणी अग्नि मिले पुरोहितम, ये हमने मंत्र का अर्थ अभी जाना इसके पहले। अब दूसरा मंत्र कहता है स नह पीतेव, वो जो अग्नि परमात्मा है सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है वो पिता के समान हमारे लिए कैसा है कल्याणकारी है। सुनवे माने हम पुत्रों के लिए। देखो एक शब्द आता है अंग्रेजी में सन एस ओ एन, सन माने क्या होता है पुत्र, एस यू एन सन माने सूर्य और एस ओ एन सन माने पुत्र। तो यहाँ पर वही से बना है सुनु, सुनु से बना है सन, ठीक है। तो सुनवे हम सब पुत्रों के लिए वो अग्नि परमात्मा स नह पीतेव, स नह पीतेव सुनवे हम सब पुत्रों के लिए वह अग्नि परमात्मा कैसा है पिता के समान है। तो ऐसे परम पिता से प्रार्थना है कि सुपायनो भव, हे परम पिता परमात्मा आप हमारे लिए सुपायनो भव अर्थात सुगमता से प्राप्त होने योग्य बनिए, अर्थात हम आपको आसानी से प्राप्त कर सकें, सरलता से प्राप्त कर सकें, सुगमता से प्राप्त कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करिए। और सचस्वानः स्वस्तये हम सभी के स्वस्ति के लिए, स्वस्ति माने देखो हाँ सुअस्ति जहाँ पर सु माने अच्छा है वो स्वस्ति है, सु माने अच्छा अस्ति माने है, तो जहाँ पर सबका क्या है कल्याण है सबके लिए अच्छा ही अच्छा है वो स्वस्ति है। तो हे परमात्मा आप हमारे लिए कल्याणकारी बनिए और इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए आशीर्वचन दीजिए। इस प्रकार मंत्र कहता है वह अग्नि परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है सर्वज्ञ है अनंत ज्ञान विज्ञान का भंडार है वह समस्त प्राणियों का पिता है समस्त जीवात्माओं का पिता है और हम सब उसके
पुत्र हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे लिए सुपायनो भव, इसका अर्थ क्या हो गया, सुगमता से प्राप्त होने योग्य होइए। स्पष्ट हो रहा है ना जी, सुपायनो, सुगमता से, सरलता से, सुंदरता से प्राप्त होइए हम सभी को, और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे कल्याण के लिए आशीर्वचन करिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारा मंगल करिए, हमारे विघ्नों को, बाधाओं को, आपत्तियों को, विपत्तियों को दूर कर दीजिए। तो मंत्र कहता है स नह पितेव सुनवे, वह परमपिता परमात्मा हम सबका हर जन्म का पिता है, और पिता के समान रक्षक है, पालक है, पिता के समान सुखदायक है। देखो जो संसार में लौकिक पिता होते हैं अपने पुत्रों को कितना सुख देना चाहते हैं, धन संपत्ति सब कुछ, जमीन जायदाद पुत्र के नाम पर कर देते हैं। तो वो जो परम पिता है वो क्या नहीं चाहता है कि मैं अपने पुत्रों को सब कुछ दे दूं, चाहता है। हम उसके सुपुत्र नहीं बन पा रहे हैं, उतना योग्य हम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो ये सब संसार किसका है, हमारे पिता का तो है। पिता कौन, परम पिता जो संसार का मालिक है। तो सब कुछ संसार में जो कुछ है वो हमारा है, क्यों, वो हमारे पिताजी का है, और वो हमारे हर जन्म का पिता है, हम उसके हर जन्म के पुत्र हैं। तो इसलिए जो अग्नि परमात्मा जानवान हैं, हमारे पिता हैं, पालक हैं, रक्षक हैं, जान प्रदाता हैं, तो ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परम पिता, आप हमें सुगमता से प्राप्त हो जाइए, आसानी से, शीघ्रता से, सरलता से प्राप्त होइए, और हमारा निरंतर कल्याण करिए, भद्र करिए, हमारे दुखों को, कष्टों को, रोगों को, विघ्नों को, बाधाओं को नष्ट कर दीजिए, और हमारा मंगल ही मंगल करिए, स्वस्ति ही स्वस्ति करिए, जहाँ पर हमारा क्या हो, हमेशा सुअस्ति हो, अच्छा ही हो, कोई बुरा न हो, तो वो स्थान है मोक्ष, जहाँ पर पूरा भद्र हो, मंगल ही मंगल हो, वो है मोक्ष। तो हे परमात्मा, हमें उस मोक्ष पद को भी प्रदान करिए, और हर प्रकार से हमें सुखी करिए, स्वस्थ रखिए, आनंदित रखिए, और हर प्रकार से हमें आपके आनंद में मग्न रह करके जन्म मरण आदि दुखों से सर्वथा दूर कर दीजिए, सब रोगों से, अभावों से, कष्टों से हमें रहित कर दीजिए। इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति ओम शम। ये दो मंत्र पूरा हुआ स्वस्ति वाचन का।